एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और प्रॉमिस तो मैं नहीं पूरा कर पाई कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूंगी, बिकॉज मैं चली गई थी दशहरे का मेला देखने के लिए। लेकिन यहाँ का मेला रात में लगता है, दिन में नहीं लगता, तो बस गई, घूमी, टहली, ऐसे चली आई। मेले जैसा तो कुछ भी नहीं दिखा, बट ठीक है, जैसा भी था, दशहरा बीत गया। अब आने वाली है दिवाली और इसी में एक एक दिन करके अपना एग्ज़ाम भी नज़दीक आता जा रहा है, तो बहुत टफ चैलेंज है हम लोगों के लिए फेस्टिवल के बीच में प्रिपरेशन करना। बट इस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक चैलेंज अगर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छा पेपर हम लोगों का जाता है, रिजल्ट हम लोगों के फेवर में आता है, तो हम लोगों की ज़िंदगी की सारी तकलीफ मिट जाएगी और अगली दिवाली, अगला दशहरा हम लोग बहुत खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इसी होप के साथ इस बार के दशहरा, इस बार की दिवाली, इस बार के त्यौहार थोड़े फीके भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम समझ सकते हैं कि जो लोग घर पर रहकर प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कितना टफ है ये सिचुएशन, कि फेस्टिवल के टाइम में आप ना चाह के भी डिस्टर्ब हो जाते हो क्योंकि आप फैमिली के साथ रहते हो। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम लोग बाहर रह के भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उनके यहाँ तो फेस्टिवल होता ही है, तो पूरा एनवायरनमेंट उस तरीके का हुआ रहता है। तो बहुत मिस करते हैं हम लोग फैमिली को, बहुत मिस करते हैं उस टाइम को जब हम लोगों ने बहुत एक अच्छा टाइम निकाला है अपने घर पर फेस्टिवल के टाइम पर, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है। बट ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के स्टडी करनी है, ताकि इस बार की जो एग्ज़ाम है, इस बार का जो रिज़ल्ट है, वो हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो और हम लोगों के जीवन के जितने भी दुख दर्द हो वो ख़त्म हो जाए और हम लोग खुशी खुशी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें आने वाला। तो चलिए लगते हैं स्टडी में और मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या आज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा है वो भी भूलता जा रहा है, तो बहुत टफ होता जा रहा है। बट आई होप कि हम लोग अच्छा करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और रिजल्ट भी आएगा। तो फ्रेंड, आज था संडे और बहुत ज़्यादा लेजीनेस लग रहा था, सुबह में जगने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लगता है कि अरे संडे है, पूरा दिन है, क्या करना है, पढ़ लेंगे। बट जितना हम लोग ये सोचेंगे उतनी तेज़ी से समय निकलता जाएगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो यही सब सोच के मैं जगी और जगने के बाद तुरंत हमने एक गिलास पानी गुनगुना कर लिया, उसमें शहद मिला लिया, पी लिया। अब पूरी ठंडी सुबह हमारी ऐसे ही होगी और इससे मुझे काफ़ी आराम है, दवाइयाँ बहुत कम लेनी पड़ती है मुझे, तो ठीक है, एक ईजी सा प्रोसेस है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने अपने रूम की साफ़ सफाई कर ली। वैसे इस संडे बहुत सारे काम मेरे पहले से हो गए थे, तो बहुत सारे काम नहीं करने थे आज मुझे, तो जस्ट मैंने नहा के पूजा कर लिया और पूजा करने के बाद अपने दिन की शुरुआत की हमने ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट में वही चाय और चना चल रहा है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितनी सूखी चीज़ें खा पाऊँ, तला या भुना वैसा कुछ ना रहे जो मेरे हेल्थ को नुकसान करे, तो काढ़ी की तरह मैं चाय बना लेती हूँ और साथ में भुना चना थोड़ा सा ले लेती हूँ। वैसे तो भिंगोया चना खाना चाहिए, ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट मुझे भिंगोया हुआ चना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट मेरा रहता है। वैसे आज ब्रेकफास्ट करते करते मैं ये सोच रही थी कि कितने समझदार हम लोग सडन हो गए हैं ना, अकेले रहना पड़ा तो ये नहीं खाते हैं, नुकसान करेगा, इतने टाइम जगना है क्योंकि स्टडी करनी है, टाइम से हर काम निपटाने नहीं, घर पे रहो तो ना सोने का टाइम होता था, ना खाने का टाइम होता था, घर वाले पीछे पड़े रहते थे, खास करके मम्मी, अरे खाना खा लो, जग जाओ, स्कूल जाना है, पढ़ लो, यहाँ किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है। मेरे घर वाले वैसे बड़े आश्चर्य होते हैं मेरी बहनें स्पेशली, कि कैसे तुम वहाँ पर खाना बना लेती हो अकेले के लिए, तुम तो घर पर होती तो कभी खाना ही ना बनाती अकेले के लिए। बट हाँ, मेरे अंदर भी भाई सुधार आ गया है, मैं भी अच्छी बच्ची बन गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना करंट अफेयर्स का क्लास कंप्लीट किया ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद हमने आर्थिकी कंप्लीट की और आर्थिकी पढ़ने के बाद आज फुल डे रिवीजन के लिए डेडिकेटेड है, तो आज हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। और भाई बहुत अब जाके दिन की शुरुआत सही से हुई है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। रिवीजन बेसिक आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो आपकी पहले से पढ़ी हुई है, तो कोई नई चीज़ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन जो चीज़ों को आप कई बार पढ़ चुके हैं उसमें ध्यान लगाना, उसमें मन लगाना बड़ा टफ हो जाता है। तो जैसे ही हमने आर्थिकी कंप्लीट की थी, मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने एक अच्छा सा लंच बना लिया जो कि बहुत सेटिस्फाइंग था, और हमने बनाया था तंदूरी रोटी और साथ में मटर पनीर, जो कि मटर पनीर मुझे उतना पसंद नहीं था, बट आज कुछ वैसे सब्जी ऐड करने के लिए था नहीं पनीर के साथ, तो हमने मटर पनीर बना लिया। और लंच करने के बाद हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे चले गए, क्योंकि तुरंत बैठने के बाद जमाई आती है, आलस आती है, स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मैंने
रेस्ट हम जगते हैं तो अपनी स्टडी वापस कंटिन्यू करते हैं क्योंकि रिवीजन आज हमें कंप्लीट करना ही करना है। तो इसी वजह से आज हमने अपना टू डू लिस्ट भी नहीं बनाया था क्योंकि आज हमारा जो विजन था वो क्लियर था कि मुझे पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन करना है, जो मेरी क्लास नोट्स तैयार हुई है उसका। आज हम क्वेश्चन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व किए, कहीं कहीं कुछ डाउट मुझे जो था मैंने हाइलाइटर से जो हाईलाइट कर रखे थे अपनी घटना चक्र वाली बुक में, या हम जो अंडरलाइन कर रखे थे उसको एक बार हमने पलट के जस्ट देख लिया कि हाँ यहाँ पे क्या मेरे डाउट थे और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन जब आप बैठेंगे ना एक्चुअल में रिवीजन करने के लिए, और उस टाइम पे अगर आपको ये लगेगा कि अपनी नोटबुक बंद करके और हमें उस टॉपिक के बारे में लिखना है कि हमें कितनी जानकारी है उसके बारे में, फैक्ट पॉइंट हम कितना याद कर पाए हैं, तब आपको आपका रियलिटी चेक मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी कितनी कम्प्लीट हुई है अभी तक। और प्रियंका आपने कमेंट किया था कि दीदी आप आर्थिकी के कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जो हमें याद करने हो, क्योंकि पूरा डेटा वगैरह तो नहीं याद किया जा सकता है। तो बिल्कुल डियर, सब नहीं याद किया जा सकता है, तो मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, फिर जब मैं उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट करूँ, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में मैं कुछ भी हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करती हूँ। बहुत ऐसे रेयर पॉइंट होते हैं जिनको मैं हाईलाइट करती हूँ, नहीं तो सेकंड रीडिंग में ही मैं जाके हाईलाइट करती हूँ ताकि कुछ हमसे गलतियाँ ना हो। तो जब मैं सेकंड रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। और आज मैंने दृष्टि भी ले आई है जो कि वीडियो में शूट करना मैं भूल गई, तो दृष्टि कल मैं गई थी, कल ही मैंने बताया था लाइव में कि मैं गई थी, तो दृष्टि ले आई हूँ और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ दृष्टि लाने में, बट टाइम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को मैं चली गई थी मार्केट, भाई यहाँ नमक शमक भी खुद लाने पड़ते हैं, कोई और है नहीं लाने वाला, तो सब्जियाँ वगैरह ले आए, नमक वगैरह ले आए, जो वो चीज़ें ख़त्म थी किचन की वो सब कुछ ले आए। उसके बाद हमने आज बनाया था पराठा और उसके साथ हमने थोड़ा सा अचार का, थोड़ा सा बिल्कुल, वैसे मुझे मना है मेरे हेल्थ के लिए, लेकिन आज मन कर दिया क्योंकि अपनी फेवरेट चीज़ से कितना देर आप दूर रह सकते हो। तो 26 तारीख के बाद आज मैं थोड़ा सा खा रही हूँ अचार, मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, इतना नुकसान नहीं करेगा, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, वो तो कल सुबह पता चलेगा कि तबीयत कैसी है। क्योंकि सो के जगने के बाद जो जकड़न की स्थिति होती है वो उस टाइम पे रियलिटी चेक मिलता है कि हाँ कितना जकड़न है और कितना आप फ्रेश फील कर रहे हैं। तो डिनर करने के बाद वापस बैठ गए मैं स्टडी करने के लिए, ताकि लाइव आने से पहले जितना कंप्लीट कर लेंगे लाइव एंड करने के बाद उतना हमें कम पढ़ना रहेगा। तो बस यही रहा आज का मेरा रूटीन, क्योंकि रिवीजन में बहुत टाइम जाता है, यकीन मानिए अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं एक एक पॉइंट पे, अगर आप एक एक डाउट को क्लियर करते हैं तो। तो फ्रेंड आज था संडे और बहुत दिनों बाद मैंने संडे को रखा रिवीजन के लिए। रिवीजन मैं पर डे करती हूँ, बट ऐसे होता है कि वीक में एक दिन ऐसा रखते हैं जिस दिन एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। तो पॉलिटी का मैंने आज रिवीजन किया और कोशिश किया शॉर्ट नोट्स बनाने की। मैं हमेशा कहती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि फैक्ट पोर्शन जितने हैं वो प्रिपेयर हो जाए। यकीन मानिए जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी कितनी कर रखी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब तक स्टोरी उसके अराउंड पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें आपकी प्रिपेयर है। लेकिन जब आप फैक्ट पे आते हैं तो बहुत सारी सच्चाइयां सामने आती हैं खुद की, कि हमने कितनी पढ़ी है, कितनी चीजें हमको याद है, कितनी चीजें हम भूल गए हैं। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, सारे सब्जेक्ट का नहीं लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी और कुछ कुछ अपने करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ताकि आपको अपने स्टडी में आसानी हो, आपको रिवीजन में आसानी हो और आप अपने आप को परख पाए कि हम कितना प्रिपेयर है एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का रीजन यही नहीं तो मैं 2:30 बजे तक ये वीडियो शूट करती, बट इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का रीजन ये है कि अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी और अपलोड करूंगी, क्योंकि पहले से मेरे पास कोई वीडियो शूट की हुई नहीं रखी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो शूट करने का। और मेरे माइंड में एक बैकअप प्लान था कि चलो अभी मेरे पास आरओआरओ की बुक लिस्ट की वीडियो है जिसको एडिट करना है, बट वो प्लान ही नहीं हो पा रहा है, वो वीडियो काफी लंबी है और उसको 10 मिनट में एडिट करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने सोचा था कि संडे को एडिट कर दूंगी, बट ऐसा टाइम निकल नहीं पाया आज एडिटिंग के लिए, तो इसी ब्लॉग को मैं एडिट करके अपलोड करूंगी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी संडे अच्छा गया होगा और आप लोग त्योहारों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो आज अच्छे से आप लोगों ने स्टडी की होगी क्योंकि दशहरा तो कल ही बीत गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना।